नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल का सभी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स सर, आज की वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा से लेके बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक की जो है इम्पॉर्टेंट बात है। तो यार, इस वीडियो का ना आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर मार दो, क्योंकि यार जो भी बंदा, जो भी यूजर्स गूगल पे को यूज़ करते हैं, तो यार उनके मोबाइल फ़ोन पे कभी कभी ऐसा हो जाता है। मान लो कि आपने कोई रिचार्ज किया, ठीक है, गूगल पे से आपने कुछ रिचार्ज किया, लेकिन उस रिचार्ज है ना, आपका जो रिचार्ज है वो जो है आपका डिसेबल हो जाता है, यानी कि आपका अकाउंट से पैसे तो कट हो जाते हैं लेकिन आपका रिचार्ज नहीं हो पाता है। मान लो आपने 10,000 रुपये किसी को ट्रांजेक्शन की, आपके पैसे कट हो जाते हैं, ठीक है, आपके पैसे तो कट हो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स सर, ये सब है ना टोटल यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है आपको गूगल ओपिनियन। तो फ्रेंड्स सर, ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो अपने गूगल पे अकाउंट में। तो यार, इस सभी प्रोसेस के लिए ना, अगर आप फिर से आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे, ठीक है, बैंक में कॉल करोगे, ठीक है, बैंक में कॉल करके बोलेंगे हम लोगों के पास अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, 24 आवर्स के बाद अपडेट होगा, फिर आप 24 आवर्स के बाद उसको जो है फिर से कॉल करोगे, है ना, उसके बाद फिर आपको 3 वर्किंग डे के बाद आपका पैसा क्रेडिट होगा। तो यार, ये सब सारा जो प्रोसेस है ना, ये वो लोग बोलते रहेंगे और आपको है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो गाइस सर, आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आप गूगल पे के कस्टमर केयर से डायरेक्ट आप कैसे बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने मोबाइल फोन पे, अपने गूगल जो है पे के अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो फेस जो है प्रॉब्लम आप डायरेक्टली आप अपने कस्टमर केयर से, यानी कि गूगल पे के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो फ्रेंड सर, बिना लेट के चले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड सर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो भाई लोग क्या कर रहे हो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना, क्योंकि यार ये बिल्कुल ही फ्री है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको पेटीएम के जीतना है तो यार ना, अगर आपको पेटीएम के अर्न करना है तो आपको ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे 2 एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, उनके रिलेटेड मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी, आप वहां से है ना बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो और उस अमाउंट को आप जो है अपने पेटीएम पे जो ट्रांसफर कर सकते हो, फिर पेटीएम से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यार, वेट किस बात की, फटाफट से जाओ दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, आपके पास स्मार्टफोन है तो यार आप बहुत ही ज़्यादा वहाँ से है ना कैश अर्न कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं गूगल पे के कस्टमर केयर से आप कैसे बात करते हो। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल पे को अपडेट कर देना है, अगर अभी तक आपने उसको अपडेट नहीं किया है तो आपको है ना उसको लेटेस्ट वर्जन आपको जो है प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर देना है। अगर आपके पास गूगल पे नहीं है तो आप सोच रहे हो इंस्टॉल करना, तो आपको है ना गूगल पे का एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको उसको जो है अपना, अगर पहले से रजिस्टर करके रखे हो तो उसको जो है आप जो है सिंपली एमपिन डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो आपको है ना ऊपर 3 डॉट पर टैप करना है, जैसे 3 डॉट पर टैप करते हो उसके बाद दोस्तों सेटिंग के सेक्शन पर जाना है। जैसे आप सेटिंग के सेक्शन पर आते हो, सेटिंग के सेक्शन पर आने के बाद सबसे नीचे आपको आ जाना है और सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो हेल्प एंड फीडबैक का आपको सेक्शन मिलेगा। तो जैसे आप हेल्प एंड फीडबैक पर टैप करते हो, हेल्प एंड फीडबैक में टैप करने के बाद स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप है ना कॉन्टैक्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर टैप करते हो तो कॉन्टैक्ट पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चैट एंड फोन का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। तो गाइस यार, यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे यूजर्स के प्रॉब्लम मैंने देखे हैं कि यार उनके मोबाइल फोन पे ना ये चीज़ काम नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का टिक मार्क आ रहा है लेकिन कुछ यूजर्स के है ना फोन पे ये जो है ब्लैक कलर का आएगा, यानी कि वो डिजेबल रहेगा, वो इनेबल नहीं रहता है। तो यार उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना 2-3 बार ऐसे ट्राई करते रहना है कॉन्टैक्ट में जाके, फिर है ना फिर बैक आ लाना है, फिर टोटल क्लोज कर देना है, फिर ऐसे आप अगर 2-3 बार करते हो तो 2-3 बार करने के बाद यहाँ पे है ना आपको कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे जाने के बाद ये ग्रीन दिखने को लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अगर कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉल के बटन पर टैप करना है। जैसे आप कॉल के बटन पर टैप करते हो यहाँ पे आप अपना XYZ जो भी नाम है अपना नाम फिल कर देना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है यहाँ पे फिल कर देना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो इशू यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। उसके बाद ऊपर ये बटन दिख रहा है आपको यहाँ से सेंड कर देना है। तो गाइस यार, इससे ये होगा
कि यार आपको है ना गूगल पे के कस्टमर केयर से वापस कॉल आएगा जो भी नंबर आपने दिया है, और आपकी जो प्रॉब्लम वहाँ पे सुनी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चैट का भी सेक्शन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे चैट के सेक्शन पे जाते हो ऑटोमेटिकली आपका है ना ईमेल आईडी यहाँ पे टैग हो जाता है जो भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है गूगल पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना इशू जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी इशू आप यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद दोस्तों ऊपर सेंड कर दे। उसके साथ साथ जैसे सेंड करने के बाद वहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन आएगा, टाइम ड्यूरेशन आने के बाद वहाँ पे ना कोई कस्टमर केयर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम सुन लेगा और आप है ना अपनी प्रॉब्लम उनको आप बता सकते हो। सो होप कि गाइस आपको ये समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपने है ना गूगल पे के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप है ना हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।